Button. System sound volume set to 65%. Tap to activate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. I hope that you all will be fine. We are going to start our new topic from chapter number 2. And this topic belongs to the subject Management of Physically Challenged Children, PCC, course code 3132. The topic that we are going to start today is 4.1. It is about the causes of orthopedic impairment. Before going to start the topic today, I would like to have the review of our previous discussion, which was about the introduction of chapter number 4, and it was totally based on the introduction of orthopedic impairment. I'm sure that you people had good learning about that. So before going to start this topic, I would explain the agenda for this topic, that after completion of this topic, you will be able to define orthopedic impairment. Aapke nazdeek orthopedic impairment kya hai? आपने आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को क्या समझा है? डेफिनेटली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको इजीली बता सकें, डिफाइन कर सकें. सेकंड एजेंडा, इलैबोरेट द कॉजेज ऑफ आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट. आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की जो कॉजेज हैं वो आप कंप्रिहेंसिवली इलैबोरेट कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे. So guys, let's start our discussion today. It is about introduction. According to the Federal Individual with Disabilities Education Act, IDEA, an orthopedic impairment is defined as a bone, joint, or muscle related disabilities that is so severe that it negatively affects a child's educational performance. ये definition हम पहले भी एक दफ़ा discuss कर चुके हैं. Idea के मुताबिक एक bone, joint, muscle ये disability ऐसी होती है जो बच्चे की जो educational performance होती है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, affect करती है. Causes of orthopedic impairment range from genetic abnormality such as those that cause a missing arm, leg, to disorders like cerebral palsy as well as other issues. अच्छा, इसमें जो issues होते हैं और जो causes हो सकती हैं वो बाज़ औक़ात एक बाजू या एक leg miss होने से लेके सेरिबल पॉल्जी तक भी इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे शामिल हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हाउ स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटेड. स्टूडेंट्स आर टिपिकली इवैल्यूएटेड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू डिटरमाइन इफ दे हैव एन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट that will interfere with their academic progress. ये जो students होते हैं जो orthopedic impairment का शिकार होते हैं उनको typically evaluate किया जाता है किसी healthcare professional से जो ये examine करते हैं कि अगर इनको कोई orthopedic impairment है जो कि इनकी जो academic progress या performance है उसमें interfere करती है, इसमें उनको affect करती है. Medical profession may also observe the child in classroom to get a sense of potential problem
द स्टूडेंट्स विल फेस. इसमें मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं वो भी बच्चे को क्लासरूम में ही ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा एक्चुअल या पॉसिबल जो प्रॉब्लम है वो फेस कौन सा करता है. नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, ये आप स्लाइड पे देख सकते हैं. ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी चिल्ड्रन में बी बॉर्न विद एन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट और दे में एक्वायर इट एट सम पॉइंट इन लाइफ. बच्चा जो है वो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के साथ या तो पैदा होता है जिसको हम कॉन्जेनिटल कहते हैं या फिर वो एक्वायर करता है किस जिंदगी के किसी भी हिस्से में. हेरिडिटरी कॉन्जेनिटल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन प्ले अ रोल इन कॉजिंग ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स जॉइंट्स और मसल्स. अब इसमें हेरिडिटी भी है, कॉन्जेनिटल भी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ऐसे ही हैं जो बच्चे की बोन जॉइंट या मसल्स को मुतासर कर सकते हैं. अगर इसके एग्जांपल के हवाले से बात की जाए तो एग्जांपल ये हो सकते हैं कि अ चाइल्ड मे बी बोर्न विद बोन डिफॉर्मिटीज. एक बच्चा बोन डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो सकता है, स्पाइना बोफिडा के साथ पैदा हो सकता है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ पैदा हो सकता है. एक्वायर्ड कॉजेज कैन इंक्लूड डिजीज इंजरी और सर्जरी. जो एक्वायर्ड कॉजेज होती हैं वो डिजीज़ की वजह से भी हो सकती हैं, कोई इंजरी भी हो सकती है या किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकती है. ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की कोई एक्वायर्ड कॉज. सर्जरी और इंजरी में लीड टू द लॉस ऑफ लिम्ब मसल कॉन्ट्रैक्चर्स और बोन लॉस दैट कैन मेक मूवमेंट डिफिकल्ट. अभी इसमें अगर देखा जाए तो ये जो इंजरी या सर्जरी है इनकी वजह से भी लॉस ऑफ लिम्ब हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं या बोन लॉस भी हो सकता है जिससे मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. द ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी पर आइडिया के मुताबिक जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की डिसेबिलिटी कैटेगरी है उसमें क्या शामिल है. उसमें तमाम इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, तमाम ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट शामिल है रिगार्डलेस ऑफ कॉज, विदाउट एनी कॉज के, रिगार्डलेस ऑफ कॉज, किसी कॉज के बगैर. अब एक पॉइंट है मेरे पास, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं. पोटेंशियल कॉजेज ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट. अभी ये फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट एंड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के मतलब रिजल्ट कॉजेज हैं. इसमें नंबर वन पे है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल द एबसेंस ऑफ मेम्बर क्लब फुट. नंबर टू डिजीज़ हो सकती है, पोलियोमेलाइटिस, बोन ट्यूबरकुलोसिस. नंबर थ्री इंजरी हो सकती है. नंबर फोर बर्थ ट्रामा, बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट एम्पुटेशन हो सकती है. ये हम तफसील के साथ ये टॉपिक अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. उसके बाद बर्न्स हो सकते हैं, उसके बाद फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और सेरेब्रल पॉल्जी जिसको हम लोग CP कहते हैं ये हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इसकी कैटेगराइजेशन क्या है. समटाइम ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल डिसेबिलिटीज. कभी कभी ये जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होते हैं इनको फिजिकल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है और इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स, और बाज़ अवकात इनको अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स में डाल दिया जाता है. नेक्स्ट ये पॉइंट आप देखेंगे एकामोडेशन है.
एकोमोडेशन ऐसा वर्ड है जिसका मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो हम कहते हैं कि एकोमोडेशन मीन्स रेजिडेंस या एडजस्टमेंट एकोमोडेशन, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट फील्ड में एकोमोडेशन का ताल्लुक ह्यूमन आई का जो लेंस है वहाँ पर लिया जाता है. अब हम देखते हैं कि एकोमोडेशन का ताल्लुक यहाँ पर क्या है. स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट विल हैव डिफिकल्ट डिफरेंट फिजिकल चैलेंज. आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार जो स्टूडेंट होते हैं उनको मुख्तलिफ तरह के फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एंड देयरफॉर रिक्वायर डिफरेंट एकोमोडेशन. इस वजह से उनकी जो एडजस्टमेंट है वो उनको एक डिफरेंट तरीके से ज़रूरत होती है. यहाँ पर एकोमोडेशन से मुराद वो एडजस्टमेंट है जो आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार जो बच्चे होते हैं उनको एडजस्ट करने में अहम किरदार अदा करती है या उनको हेल्प आउट करती है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में. दिस इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद OI. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीगल सपोर्ट फॉर पीपल विद OI. पीपल विद आर्थोपेडिक OI आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को कहते हैं. पीपल विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट यूजुअली नीड फिज़िकल एकोमोडेशन. तो आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार जो बच्चे होते हैं इनको ज़्यादातर अमूमन फिज़िकल एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन स्कूल, और इनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है स्कूल में और आप वर्क प्लेस पर भी ज़रूरत पड़ती है एंड एट होम और घर पर भी. यकीनन अपनी डेली लिविंग फंक्शनिंग को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होते हैं इनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है. और ये तो आपको मालूम होगा कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से जो डिसेबिलिटी होती है आलमोस्ट 50% कम हो जाती है. दे हैव लीगल राइट्स टू दिस सपोर्ट अंडर द अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज अंडर द अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसको हम लोग ADA के नाम से जानते हैं, एंड सेक्शन 504 ऑफ द रिहैबिलिटेशन एक्ट 1973. इन दो कवानीन यानी कि ADA और रिहैबिलिटेशन एक्ट के तहत अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज को जो है ना ये एक लीगल प्रोटेक्शन ज़रूर हासिल है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्लाइड पे स्पेसिफिक चैलेंज. सम स्पेसिफिक कंसर्न एंड चैलेंजेस दैट चिल्ड्रन विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट मे फेस इंक्लूड कॉलन. मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक कंसर्न या जो स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं जो स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट फेस करते हैं उसमें क्या क्या शामिल है. उसमें नंबर वन पे आप देख सकते हैं सीटिंग, सबसे बड़ा इशू सीटिंग का है. अ स्टूडेंट मे नीड स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट टू हेल्प हिम विद पोस्चर एंड मोबिलिटी एज मूविंग अराउंड द क्लासरूम और मूविंग अराउंड स्कूल हॉलवेज मे बी डिफिकल्ट. स्कूल में आल्सो नीड टू अरेंज द स्केड्यूल ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन अ वे दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम हैविंग टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास. सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स का वो सीटिंग का है, ज़्यादातर स्कूल के अंदर होता है. एकोमोडेशन से बैकग्राउंड में एकोमोडेशन है लेकिन आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा. इसके लिए ये होता है कि एक जो स्टूडेंट विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होता है उसको एक स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने पोस्चर्स और मोबिलिटी को मेंटेन कर सके, चाहे वो क्लास के अंदर मूव कर रहा है या फिर किसी अपने स्कूल के ही किसी बरामदे में मूव कर रहा है या हॉल में मूव कर रहा है.
यकीन उसके लिए ये सारा करना बहुत मुश्किल होता है ना, अपने पॉस्चर्स को मेंटेन करना या घूमना फिरना। स्कूल को इस तरीके से इन बच्चों के लिए इंतजाम करने चाहिए कि जो बच्चे लंबा सफ़र ना कर सकें, और जो लंबा सफ़र इनके लिए, तो ये भी लंबा सफ़र है कि जनाब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाया जाए, ये भी इनके लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस है। तो स्कूल को इस तरीके से करना चाहिए कि जो टीचर ने जिन्हें पढ़ाना है उनको उसी जगह पे आके पढ़ाएं जहाँ पे ये सारा दिन अपना गुजारते हैं, एक ही क्लासरूम में। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, प्रोवाइडिंग एलिवेटर एक्सेस कैन आल्सो हेल्प। एलिवेटर होने चाहिए जो कि इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इनकी मोबिलिटी में। पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजी। दे मे ऑल्सो नीड असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस टू हेल्प देम कम्युनिकेट और लेसन्स दैट एड्रेस देयर डिसबिलिटीज सच एज दोज दैट विल हेल्प देम इम्प्रूव देयर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। अभी यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस की बात की गई है कि ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस की उनको ज़रूरत होती है जो कि उनकी कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहे और उन लेसन्स में भी जो उनकी डिसबिलिटीज़ को एड्रेस कर सकें। इसके अलावा इन लेसन्स में ही उनके जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बात की गई हो। तीसरा पॉइंट, डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज दैट माई बी यूटिलाइज्ड मे इंक्लूड व्हीलचेयर्स, स्पेशलाइज्ड डेस्क्स, केन्स, क्रचेस, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अब अगर डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि इसमें क्या क्या डिवाइसेस और क्या क्या टेक्नोलॉजी शामिल हैं, तो जो ये बच्चे स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट यूज़ कर सकते हैं उसमें व्हील चेयर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डेस्क्स हैं, केन्स हैं, क्रचेस बैसाखियाँ वगैरह हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पार्टिसिपेशन का, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इन पार्टिकुलर में पोज डिफ़िकल्टी। ये जो फिज़िकल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। सम स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट will need to be excused from gym. अच्छा, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का जो शिकार बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जिम क्लास से एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स विद माइल्ड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट मे बी एबल टू पार्टिसिपेट, लेकिन जो माइल्ड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बिहेवियरल का पॉइंट है जी। टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट एरियाज शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर इन क्लास। तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का ज़रूर इल्म होना चाहिए कि जो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी का शिकार जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, खासकर क्लास में। स्टूडेंट्स विद दीज इम्पेयरमेंट्स फॉर एग्जांपल माइट गेट टायर्ड मोर क्विकली देन देयर पीयर्स विदाउट ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। क्लासरूम में जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार जो बच्चे होते हैं ये अपने नॉर्मल पीयर ग्रुप की निस्बत जल्दी थकावट का शिकार हो जाएं। उनका जो नॉर्मल पीयर ग्रुप, जो नॉर्मल एज फेलो क्लास में उनके साथ, ये यकीनन इंक्लूसिव एजुकेशन में भी ये चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार जो बच्चा होता है वो जल्दी थक जाएगा बनिस्बत आम बच्चे के।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ट्रैवल के हवाले से, चिल्ड्रन विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट मे आल्सो फेस चैलेंजेस एक्सेसिंग ट्रांसपोर्टेशन टू गेट टू एंड फ्रॉम स्कूल। ट्रैवलिंग स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार जो बच्चे होते हैं इनको ट्रैवलिंग का एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि स्कूल आने के लिए या स्कूल से जाने के लिए ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इनके साथ। इसमें जो फेडरल लॉ है रिक्वायर स्कूल डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट नेसेसरी टू द हेल्प चिल्ड्रन टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसबिलिटीज ट्रेवल टू एंड फ्राम स्कूल। इसमें फेडरल लॉ जो है वो स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट या डिसबिलिटीज़ की हेल्प करता है कि वो स्कूल से आने जाने के लिए जो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बाय स्टेक होल्डर्स। अब जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं मिलजुल के जो कोशिशें की जा सकती हैं वो क्या हैं इसको ज़रा हम देखते हैं। कलेक्टिवली मजमूई तौर पे पेरेंट्स मेडिकल प्रोफेशनल्स टीचर्स काउंसलर्स एंड अदर स्कूल स्टाफ कैन वर्क टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद आर्थोपेडिक डिसबिलिटीज द सपोर्ट दे नीड इन द क्लासरूम। अब देखा जाए इस पॉइंट में तो मजबूरी तौर पे पेरेंट्स मेडिकल प्रोफेशनल्स टीचर्स काउंसलर्स या बाकी जो स्कूल स्टाफ हैं वो कलेक्टिवली इस तरह काम कर सकते हैं कि जितने भी आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार जो स्टूडेंट हैं उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो 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 इनको क्लासरूम में ज़रूरत होती है। द चाइल्ड्स नीड्स मे चेंज ओवर टाइम। बच्चे की ज़रूरियात हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं। एंड द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन द इन हिज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कैन मेक अमेंडमेंट्स टू द प्लान टू अकोमोडेट न्यू नीड्स। और इसमें जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जिसको हम लोग IEP कहते हैं जिसके ऑलमोस्ट 7 स्टेप्स होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की नीड्स के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है एज पर टाइम। तो अगर हम इसके कंक्लूजन के हवाले से बात करें इन द लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन कॉमा I must say that this is the fact that students with orthopedic impairment in bracket OI face much difficulty to perform their daily task normally. ये तो एक फैक्ट है जिसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हैं जो कि मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है जो सीखा है कि स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स को अपने डेली टास्क परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनके लिए आसान नहीं होता अपने डेली टास्क को परफॉर्म करना। Whatever the causes are there for this type of physical disabilities, हमें ये तो आइडिया हो चुका है कि स्टूडेंट्स जो आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हम इसको फिजिकल डिसबिलिटीज़ के अम्ब्रेला टर्म में डालते हैं तो इस फिजिकल डिसबिलिटीज़ की जो ये जो आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है इसकी कुछ भी वजह हो या बेशक हम इसको अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट में डाल दें इसकी कोई भी वजह हो कोई भी रीज़न हो कोई भी कॉज हो It is required to be ensured by all professionals
to work as a true professionals for the betterment, for their betterment, to make them an effective member of the society. जितने भी professionals हैं उनको या government officials हैं या para professionals या medical से related associated या official जितने भी professionals हैं उनको ज़रूरत है, उनको चाहिए यकीनन कि वो काम करें एज अ ट्रू प्रोफेशनल. जब वो एज अ ट्रू प्रोफेशनल काम करेंगे तो वो यकीनन मकसद सबका एक ही होगा और वो होगा बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट या चिल्ड्रन विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट या पर्सन विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, इनकी बेटरमेंट के लिए ही काम करेंगे. और जब इनकी बेटरमेंट के लिए काम किया जाएगा तो यकीनन ये लोग इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि ये किसी भी माशरे का एक इफ़ेक्टिव या यूज़फुल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी ज़रूर बन सकें. और स्पेशल एजुकेशन में आप लोग जानते हैं कि ये ही असल एक टारगेट होता है एक स्पेशल एजुकेटर का, एक स्पेशल एजुकेशनिस्ट का, एक अच्छे टीचर का, कि जितने भी चिल्ड्रन विद डिसबिलिटीज़ हैं उनको इस काबिल बनाना कि वो डिपेंडेंट ना हो बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो, और इस तरह इंडिपेंडेंट हो कि माशरे और कौम के लिए फ़ख्र का बायस बन सकें. तो ये वाली जो अप्रोच है ये अप्रोच उन बच्चों को कामयाबी की तरफ लेके जाती है. एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि बच्चा ख़ुद से कुछ नहीं कर सकता. जैसा हम कहते हैं जनरल एजुकेशन में कि बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल वाइट पेपर की तरह होता है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन. तो उसमें फिर आपने ये ज़रूर देखना है कि जनरल एजुकेशन में अगर ऐसे है तो स्पेशल एजुकेशन में बच्चा नीट एंड क्लीन वाइट पेपर की तरह उसका ब्रेन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उसके जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं. इस वजह से कहा जाता है कि जो एजुकेशन है ये सर्विस के साथ साथ एक नेकी भी है. हमारे मुल्क में एक नेकी है, एक खिदमत है, और यकीनन इसका अजर अल्लाह पाक की ज़ात आपको देती है जब आप बतौर स्पेशल एजुकेटर अपने कोर ऑफ द वर्ल्ड के साथ बतौर स्पेशल एजुकेटर एक मोटिवेशन, एक करेज, एक सोच और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करते हैं इन बच्चों के बेटरमेंट के लिए. तो यकीनन ये चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है. और आपके साथ एसोसिएटेड जो बच्चे होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हों, चाहे वो स्टूडेंट्स विद एनी अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट हों, या चाहे वो स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या किसी भी चैलेंज का शिकार हों, तो वो फिर चैलेंज उनके लिए चैलेंज नहीं रहता. उसमें जो एक अच्छे टीचर के तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की कुछ मखसूस एरियाज़ हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें एकेडमिक है, रिलीजियस है, फिज़िकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, मॉरल है, इंटेलेक्चुअल है, और इसके अलावा वोकेशनल है, प्रोफेशनल है. ये सारे वो एरियाज़ हैं जिन पे एक स्पेशल एजुकेशन टीचर को काम करने की ज़रूरत होती है. और जब कोई टीचर, क्योंकि खाली पढ़ना पढ़ाना टीचर का काम नहीं है, टीचर की और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ख़ासकर अगर मामला स्पेशल एजुकेशन का हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए टीचर को इन सब एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है जिनकी तादाद तकरीबन 9 है और जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं. इस तरीके से जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो माशरे का एक बहुत यूज़फुल और इफ़ेक्टिव मेंबर बनेंगे और वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगे. तो आज के लिए स्टूडेंट उम्मीद है, आई होप दैट you have the good learning for today, and I'm sure that this approach will enhance your quality learning, and this approach will lead you towards the endeavor success in your life, and definitely it will change the lives of the students with orthopedic impairments and students with disability. If you people work as a true professional, as a true special educationist. Thank you very much. Good luck. Zom.